बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मार्कंडीय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। मार्कंडेय जी आज कहते हैं कि द्विज श्रेष्ठ विश्व योनि भगवान नारायण, जो कि ध्रुवाधार नामक पद है जिसको शिशुमार चक्र भी कहते हैं, उसी से त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और वहां से चल करके वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी और वहां उनकी चार धाराएं हो गई और मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। तो इस प्रकार वह जल जो है मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बंट गया, अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा जी, गंगा की जो धारा है, पूर्व दिशा की ओर गई और वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से आप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से सीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची और वहां से भद्रास्व वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। और इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा जी की दूसरी धारा गिरी वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदनवन में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है बहती हुई बड़े वेग से चल करके मानसरोवर में पहुंची और उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई और वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची और वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब जब राजा भगीरथ ने आकर के उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की, उससे प्रसन्न होकर के फिर महादेव जी ने गंगा जी को छोड़ दिया और फिर वे सात धाराओं में विभक्त होकर के बंट करके दक्षिण समुद्र में जा मिली और उनकी तीन धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गई, एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई और वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे आप्लावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंच करके खारे पानी के समुद्र में मिल गई और मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर जो गिरी थी वो गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करते हुए महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा कर्मशः वृखभ आदि शैलमालाओं को लांघते हुए उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी और अंत तो गत्वा महासागर में जा मिली। तो द्विज श्रेष्ठ इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृतांत कह सुनाया और साथ ही जम्बू द्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए हैं। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में
प्रजा बड़े सुख से रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता, उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। और जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेक नदियां हैं। विप्रवर, किम पुरुषादि जो 8 वर्ष हैं वहाँ पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। तो उक्त 8 वर्षों में वारक्षी स्वाभाविकी देश्या तथोत्या मानसी तथा कर्मजा ये सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे वारक्षी सिद्धि कहते हैं। वारक्षी और स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि वो स्वाभाविक ही कहलाती है। देश या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है उसका नाम देश्या है। और जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तो योद्धा कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से सिद्धि जो प्राप्त की जाती है वो कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है और वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। तो इसके बाद जो है क्रोष्टुक जी ने कहा कि भगवान आपने जम्बू द्वीप का संक्षेप से वर्णन किया, किंतु महाभाग अभी अभी आपने जो ये कहा कि भारत वर्ष को छोड़ कर के कहीं किया हुआ कर्म पुण्य पाप का जनक नहीं होता, केवल भारत वर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति होती है, तो मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है, इसलिए भारत वर्ष का वृतांत जो है वो विस्तार के साथ बतलाइए। जितने इसके भेद हो, जैसी इस देश की स्थिति हो और जो जो यहाँ पर्वत हो उन सब का भली भांति वर्णन कीजिए। तब श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण सुनो, भारत वर्ष के 9 विभाग हैं और उनके उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है, इसलिए एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम बताए हैं यहाँ पर इस प्रकार हैं कि इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तीमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्वद्वीप, वारुणद्वीप और 9वां जो है ये भारतवर्ष है। भारत भी समुद्र से घिरा हुआ है, यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है और इसके पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन रहते हैं और बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। और इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक न करने के कारण इन्हें पाप भोगना पड़ता है। तो महेंद्र, मलय, सहय, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट छोटे और भी हजारों पर्वत हैं और ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे, रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज, मंदर, दर्दुराचल, वात्सवन, वैद्युत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जयंत, रईवत, अर्बुद, ऋष्यमुख, गोमंत, कूटशैल, कृतस्मर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं जिनसे मिले हुए मलेच्छोर आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित हैं। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम भी सुन लो। गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा जिसको आजकल चिनाब बोल देते हैं, यमुना और शतद्रु अर्थात सतलुज, वितस्ता, झेलम,
इरावती जिसको रावी बोल देते हैं, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, ऋषदवती, विपासा, विपासा कौन सी है ये, व्यास नदी, देविका, रंक्षु, निश्चीरा, गंडकी, कौशिकी, कौशी को कोई ही जो कौशिकी है उसी को कोसी बोल देते हैं। अब ये सभी नदियां जो है हिमालय की तलैटी से निकली हुई है। वेद स्मृति, वेदवती, वृत्रघनी, सिंधु, वेणा, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चरमणवती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती, बेतवा, क्षिप्रा तथा अवंती, इन नदियों का उद्गम स्थान जो है पारियात्र पर्वत है। और महानद शोण, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दसारणा, चित्रकूटा, चित्रोपला, तमसा, कर्मोदा, पिसाचिका, पिप्पलश्रोणी, पिपासा, वंजुला, सुमेरुजा, सुक्तिमती, सकुली, त्रिदिवाक्रमू और वेगवाहिनी, ये नदियाँ जो हैं स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकली हैं। क्षिप्रा पियोषणी, यह क्षिप्रा दूसरी है, क्षिप्रा पियोषणी, निर्विध्या और तापी, निषधावती, वेण्या, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुदवती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतःशिवा, ये पुण्य सलीला कल्याणमयी नदियाँ विंध्याचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या तथा कावेरी, ये श्रेष्ठ सह्य पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती, ये मलयाचल से निकली हैं। इनका जल बहुत शीतल होता है। और पितृसोमा, ऋषिकुल्या, इक्षुका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वसंकरा, ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुसा और पलासिनी, इनका उद्गम जो है सुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती के समान हैं तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिली हैं। ये सब की सब जगत के लिए माता सदृश हैं, माता के समान हैं, तो इन सब को पापहारिणी माना गया है। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में ही बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। तो मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक और वृक, ये प्रायः मध्य प्रदेश के जनपद कहे गए हैं। और सह्य पर्वत के उत्तर का भूभाग जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश बताया गया है। वहीं महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं जिनके नाम यहाँ बताए हैं कि वहाँ लीक, बलख बोल देते हैं, वाट धान, आभीर, काल तोयक, अपरांत, शुद्र, पहलव, चरमखंडिक, गांधार, यमन, सिंधु, सोवीर, मद्र, सतद्रुज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकेय और दस मालिक, ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्र जो कुल के लोग हैं वो भी रहते हैं। और काम्बोज, खम्भात, काम्बोज ही खम्भात है, और दरद, बरबर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बाह्य, तोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कुशरेक, कशरेकु, कशेरुक, लंपाक, सूलकार, चुलिक, जागुड़, औषध और अनिभद्र, ये सब किरातों की जातियां हैं। और तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शूलिक, कुहक, उरुणा तथा दारव, ये समस्त जो हैं देश उत्तर में स्थित हैं। अब पूर्व के देशों का भी वर्णन सुन लो। अभ्रारक, मुदगर, मुदरक, अंतरगिरी, बहिरगिरी, प्लवंग, गंगेय, मालद, मलवर्तिक, ब्रह्मोत्र, प्रविजय, भार्गव, गियमल्लक, प्राग ज्योतिष, मद्र, विदेह, विदेहे अर्थात मिथिला, और ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध और गोमंत, ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बदलाए जा रहे हैं। पांड्य, केरल, चोल, कुंत्य, गोलांगूल, शैलूष, मूषे, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, आभीर,
वैशिक्य आटव्य सवर पुलिंद विंध्यामील्य विंध्यमालीय वैदर्भ दंडक पौरिक मौलिक अस्मक भोगवर्धन नैशिक कुंतल आंध्र उद्भिद वनदारक, ये जो हैं सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। और अब अपरांत देशों का वर्णन भी सुन लो। सुरपारक, कालीबल, दुर्ग और अनिकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, स्वापद, कुरुमिन, कठाक्षर, कारसमर, लोहजंग, वाजे, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदा के उत्तर देश, भीरुकच्छ, माहे, सारस्वत, काश्मीर, सुराष्ट्र, आवंत्य और अर्बुद, ये जो है अपरांत प्रदेश हैं। और अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए। सरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्तमरण, दशारण, भोज्य, किशिकंध, किशिकंधक बोल देते हैं, तोशल, कोसल, त्रयपुर, वैदिश, तुम्बुर, तुम्बुल, पटु, नैषद, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती, ये सभी जनपद जो हैं विंध्याचल की घाटियों में बसे हुए हैं। अब जो है पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंस, मारग, कुरु, गुरगण, खस, कुंत प्रावरण, ऊर्ण, दार्व, कृत्रिक, त्रिगर्त, मालव, किरात, उरतामस, ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। तो इतने देशों से परिपूर्ण ये भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों की व्यवस्था है। और भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर है। और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। ये भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्म पद, इंद्र पद, देवलोक और मरुदगणों का स्थान भी मिलता है। तो इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्यों को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। ब्रह्म ऋषि, देवताओं के मन में भी सदा ये अभिलाषा रहा करती है, ये इच्छा रहती है देवताओं की भी कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। किंतु बड़े दुख की बात है, खेद की बात है कि ये मनुष्य कर्म बंधन में बंध करके अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़ करके नित्य जो अक्षय सुख है उसकी प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते। तो इस प्रकार मार्कंडेय जी ने ये भारतवर्ष की परिस्थिति बताई, इसका महत्व बताया, गंगा आदि नदियों की उत्पत्ति और कौन कौन सी नदियां भारत देश में हैं, कौन कौन से जनपद हैं, ये सारा बताया। इसके बाद क्रोष्टक जी भारतवर्ष में जो भगवान कुर्म की स्थिति है उसके बारे में प्रश्न करेंगे और मार्कंडेय जी आगे बताएंगे। और उस कुर्माकृति में कहाँ कहाँ कौन कौन से नक्षत्र स्थित हैं, कौन कौन सी राशियाँ स्थित हैं और किस प्रकार फिर उन नक्षत्रों में क्रूर ग्रहों के आने से क्या प्रभाव होता है, शुभ ग्रहों के आने से क्या होता है, ये सारा जो है ज्योतिष संबंधी वर्णन जो है अगले अध्याय का विषय रहेगा कि कुर्माकार जो भगवान विष्णु हैं उनकी स्थिति का वर्णन रहेगा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।